क्लैट पीजी का एग्जाम ना स्टूडेंट्स मल्टीपल रीजंस की वजह से देते हैं। एक रीजन ये होता है कि सर हमें ना आराम से जुडिशरी की तैयारी करनी है। एक रीजन ये भी होता है कि सर हमको ना कहीं जॉब प्लेसमेंट लग जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको ना एक बढ़िया एक टीचिंग जॉब या रिसर्च की कोई अच्छी वो मिल जाए, हम बहुत खुश हो जाएंगे। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर हमको एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाए एज अ लॉ प्रोफेशनल, मैं बढ़िया से कुछ सीख पाऊं, यही मेरी एक आशा है। और कुछ लोगों को केवल एनएलयू का एक टैग चाहिए होता है बिकॉज उन्होंने एलएलबी के अंदर अपना जो एनएलयू के अंदर जाने का सपना होता है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। सो आपका इनमें से कोई भी रीजन हो कि आप क्यों क्लैट में ये एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किस कॉलेज के अंदर जाना चाहिए और आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कॉलेज को लेकर जब आप तैयारी कर रहे हो, टारगेट क्या रखना है आपको, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल डिटेल में बात करने वाला हूं कि आपको आपका कॉलेज कौन सा लेना चाहिए, इसके ऊपर क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, क्या चीजें देखनी है, सारी बातें। तो अगर आपने संभव लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हम लोग यहाँ पे रोजाना क्लैट से जुड़े हुए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज से जुड़े हुए, एलएलएम से जुड़े हुए जो टॉपिक्स होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, उनके बारे में वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हमारे प्रेफरेंस लिस्ट की। ये वो प्रेफरेंस लिस्ट है जो कि मैं इस बार स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगा कि जब आप लोगों के पास आएगा ना अपना फॉर्म भरने का, तो आप लोग इस प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से चलिएगा, ठीक है। इन जनरल मैं अगर बात करूं, अगर आपका कोई ऐसा सुपरफिशियल क्राइटेरिया नहीं है कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए, स्पेशलाइजेशन का वो नहीं है, कुछ नहीं है, तो सबसे पहले आपका आता है एनएलएसआईयू बैंगलोर। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, नंबर वन कॉलेज है यहाँ पे इंडिया के अंदर व्हेन इट कम्स टू एलएलएम अपना। और दूसरा आपका है नलसार नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तीसरा है आपका भोपाल, चौथा है वेस्ट बंगाल और पांचवा है एनएलयू जोधपुर। ये जो पांच कॉलेज हैं ये आप कह सकते हो कि टॉप फाइव कॉलेजेस हैं, जो कि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप इसका जो यहाँ पे एक तरीके से कह लो ऊपर नीचे करने का प्रेफरेंस है आप रख सकते हो। उसके बाद मैं कहता हूँ कि गांधीनगर, हिदायतुल्ला और मुंबई, इनको आप रख सकते हो अपने लिस्ट में। फिर आपका जो ये वाला कॉलेज है नवा वाला राम मनोहर लोहिया, ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि एक वाइल्ड कार्ड की तरह यहाँ पे प्ले करता है, बिकॉज जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पे जुडिशरी के लिए तैयारी करनी है वो यहाँ पे इसी कॉलेज को टारगेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो करिकुलम होता है वो काफी हद तक लाइट होता है, जिसकी वजह से आपको जुडिशरी की तैयारी करने का आराम से मौका मिलता है। बाकी कॉलेजों के अंदर काफी ज्यादा करिकुलम हार्ड होता है, सबमिशन बहुत ज्यादा मांगे जाते हैं, डिसर्टेशन पे भी बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, जिस वजह से टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। इसके बाद जो आपके कॉलेजेस हैं ये आपके राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी बोलो, चाहे आप ALS कोची की बात करो, चाहे आप उड़ीसा की बात करो, चाहे आप रांची की बात करो, इनको आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कर सकते हो। और इसके नीचे के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे जितने ही आपके बचे हुए हैं, इनको मैं जनरली कहता हूँ कि अगर आपको लोकेशनल एडवांटेज चाहिए कि हाँ भाई आपके घर के पास है, आप फीस अफोर्ड कर सकते हो, तो आपका ऊपर है कि आपको अगर एनएलयू का वो टैग चाहिए या आपको बस एक्सपोजर चाहिए तो आप जा सकते हो। वरना मेरी तरफ से एक जनरल रिकमेंडेशन देता है कि आप कोई और एग्जाम दे लो या किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, बट इनमें थोड़ा सा अवॉइड करो यहाँ पे एडमिशन लेने का। अब अगर हम लोग थोड़ा सा प्रेफरेंस वाइज, हम मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कैसे होता है, मैं आपको अगर स्पेशलाइजेशंस के हिसाब से थोड़ा सा बताऊं कि आपको कॉलेज को कैसे सिलेक्ट करना है और अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के क्या यहाँ पे फायदे और नुकसान होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन हर कॉलेज ऑफर करता है वो है आपका बिजनेस लॉ का या फिर कॉर्पोरेट लॉ, दोनों एक ही आपका है बेसिकली। तो आप चाहे बात करो एनएलएस बैंगलोर की, चाहे नलसार हैदराबाद की, ये दोनों बिजनेस लॉ के एलएलएम प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे अगर आप जॉब प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो आपका काफी बढ़िया चांस होता है जॉब लगने का। एनएलआई भोपाल का भी एक बहुत ही ज्यादा रोबस्ट यहाँ पे आप कह सकते हो इकोसिस्टम है जॉब प्लेसमेंट का। तो इन तीन कॉलेजों में अगर आप बिजनेस या कमर्शियल लॉ लेने का सोच रहे हो, देन जॉब प्लेसमेंट की यहाँ पे आपकी चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर अगर हम लोग आते हैं NUJS कोलकाता में, तो यहाँ पे जो जॉब प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे हिला हुआ सीन है, मिलता है शायद नहीं मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत रहता है, बट यहाँ पे भी अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको CV एनहांस करनी वैसे देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इसके बाद जो आपके कॉलेजेस हैं वहां पे आप देखोगे कि हर जगह कॉर्पोरेट लॉ आपको दिया जरूर जाता है, चाहे आप बात करो रायपुर की, चाहे आप बात करो यहाँ पे RML की, चाहे आप बात करो पटियाला की, कोची, यहाँ पे उड़ीसा में मिलता है, कोची में यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, रांची में मिलेगा आपको, आसाम में मिलेगा, उसके आगे भी आप जाओगे तो आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, बेसिकली यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब ज्यादातर एनएलयूज के अंदर
कॉर्पोरेट लॉ आपको मिलता है, तो फिर आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। बस यहाँ पे आपको ये देख के चलना है कि यहाँ पे जैसे आपका ये आप कह लो जेएनएलयू है, वो आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ नहीं देता है। इसके अलावा आपका एनयूएलएस कोच्चि है, वो आपके यहाँ पे कह सकते हो कॉर्पोरेट लॉ नहीं देता। तो फिर अगर आप यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ में एज अ प्रोफेशनल अगर आपको वर्क करना है, कॉर्पोरेट लॉ में जॉब करनी है, या फिर आप फ्रॉम लाइक कैंपस से ही प्लेसमेंट चाहते हो, या फिर आपको अगर सीवी एनहांस करनी है, तो आप इन कॉलेजों के अंदर इस प्रेफरेंस के हिसाब से सोच सकते हो कि हाँ भाई मुझे कैसे जाना है, क्या जाना है, दैट इज बेसिकली गिवन। अब जो सेकेंड आपका प्रेफरेंस होता है जो कि बहुत ज्यादा आपको देखने मिलेगा हर कॉलेज में, वो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बहुत ही ज्यादा ऐसा एक स्पेशलाइजेशन का फील्ड है जो कि प्रेवलेंस में बहुत ज्यादा है, बिकॉज आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर जो अभी धीरे धीरे करके जो एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या इवॉल्व करेगी, उसके ऊपर पॉलिसी जो बननी है, उसके ऊपर जो कंपनीज जो काम कर रही हैं आजकल हर चीज को रोकने के लिए, क्या यहाँ चोरी ना हो, यहाँ वो ना हो। और एज अ इमर्जिंग फील्ड अगर आप देखोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पे। एंड अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे नलसार में सबसे पहले आप देखोगे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलता है, एनएलयू भोपाल के अंदर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिलता है, एनयूजीएस कोलकाता में भी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिलेगा। बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट यहाँ पे आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाओगे, तो आपको नलसार और भोपाल का जो फैकल्टी काफी अच्छी मिलेगी, एनयूजीएस की भी कंपेरेबल है। फिर आपके जोधपुर के अंदर भी आपको आईपीआर मिलता है, यहाँ का भी काफी अच्छा मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे एलएम स्पेशलाइजेशन है, आईपीआर का फैकल्टी वगैरह काफी अच्छी है। फिर कंपैरेटिवली एचएनएलयू आपका रायपुर भी आपको आईपीआर देता है, जेएनएलयू भी देता है, मतलब आप देख सकते हो जितने आरएमएल वगैरह सब यहाँ पे आपको। चाहे आप रांची की बात करो, चाहे आप आसाम की बात करो, यहाँ पे हर जगह आपको आईपीआर देखने मिलता है। लेकिन अगर आईपीआर के अंदर ही आप स्पेसिफिकली टारगेट लेके चल रहे हो कि हाँ मुझे स्पेशलाइजेशन इसी में करनी है आगे जाके, मुझे या तो पॉलिसी मेकिंग में, रिसर्च में, या फिर मुझे एक लॉ फॉर्म लिटिगेटिंग फॉर्म्स में कहीं पे काम करना है, देन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप नलसार, भोपाल और जोधपुर तक अपने आप को सीमित रखो। उसके आगे थोड़ा सा आपको डाइसी सिचुएशन मिल सकती है, लेकिन आगे भी जो कॉलेजेस है, जैसे कि मान लो रायपुर हो गया, या फिर आप मान लो राम मनोहर लोहिया से भी आपका करना यहाँ पे ठीक रहेगा, यहाँ तक सही रहेगा, उसके आगे थोड़ा फिर आपको मजा उतना नहीं आएगा। अगर आपको फिर वहां पे टैग चाहिए, वो चाहिए, देन यू कैन गो फॉर इट, आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो अगली स्पेशलाइजेशन है जो कि हम लोग को देखनी है, वो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की यहाँ पे स्पेशलाइजेशन। अब ये जो स्पेशलाइजेशन होता है, ये दो तरीके के स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। पहले वो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज जुडिशरी की प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक एड ऑन की तरह वर्क करता है, बिकॉज जो सब्जेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं जुडिशरी में काम ही आ जाती है। दूसरी बात होती है प्रोफेसरशिप के अंदर जब किसी को जाना होता है, तो ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है ये काफी ज्यादा इन डिमांड रहता है, तो काफी लोग इसको सिलेक्ट करना प्रेफर करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि आपको बेस्ट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मिलता है, तो वो आपका देख सकते हो भोपाल के अंदर ही मिलता है, जो आपका बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में देता है यहाँ पे। उसके बाद आप कह सकते हो जेएनएलयू के अंदर आपको ये चीज मिल जाती है, फिर आपका आरएमएल के अंदर ये आपको मिलता है, आरजीएनएलयू पटियाला के अंदर आपको मिलता है, नियलेस उसके अंदर, इसके अंदर मिलता है। तो आप बेसिकली ये देख लीजिए कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जुडिशरी के अंदर जाना है और तैयारी वगैरह अगर आपको करनी है, तो आप चाहो तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज अ सब्जेक्ट ले सकते हो, और जैसे अगर मान लो आपको एनएलएस मान लो मिल जाता है, तो आप ह्यूमन राइट्स लॉ भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। बिकॉज जुडिशरी के अंदर क्या प्रेफरेंस आपने रखा, और सेकंड चीज ये कि आपका क्या जो एक बैकअप प्लान वो प्रोफेसरशिप है, तो वहां पे इट मैटर्स कि हाँ भाई जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ आदमी लेके चलता है कि हाँ भाई इसमें मेरे को प्रोफेसरशिप के अंदर थोड़ा सा फायदा हो सकता है। कई लोग कॉर्पोरेट लॉ और आईपीआर भी लेते हैं प्रोफेसरशिप के लिए कि हाँ भाई ऐसा सब्जेक्ट मुझे ये यहाँ पे रखना है, बट डिपेंड करता है ये कि आपका जो खुद का एक पसंद है कि मुझे क्या पसंद है, किस एरिया ऑफ लॉ के अंदर मुझे पढ़ाई करना पसंद है, पढ़ाना पसंद है, उस पर फिर ये डिपेंड करता है कि आपको क्या टारगेट यहाँ पे लेके चलना है बेसिकली स्पीकिंग। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप क्रिमिनल लॉ की बात करोगे, तो काफी यहाँ पे कॉलेजेस क्रिमिनल लॉ प्रोवाइड करते हैं। मान लो आप बात करते हो भोपाल की, फिर आप बात करते हो एनयूजीएस की, तो यहाँ पे देखिए एक जो चीज आती है क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ। अब ये जो है ये क्रिमिनल लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा नया इमर्जिंग उन्होंने निकाला है, जहाँ पे ये लोग आपको व्हाइट कॉलर क्राइम्स, पुलिस रेगुलेशन और बाकी जो आपके ऐसी चीजें हैं जो कि एक तरीके से क्रिमिनल लॉ के अंदर जो अभी मॉडर्न सिनेरियो में चीजें चल रही है, जैसे कि मान लीजिए आप बात करते हो कि
हमें किस तरीके से प्रिज्म रिफॉर्म करना है, हमें किस तरीके से जो सेंटेंसिंग पॉलिसी उसको कैसे बनाना है, ये सारी जो चीजें होती हैं वो आपके क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ के अंदर लाई जाती हैं। इसके अंदर आपका, मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ जगहों पे क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ आपको दिया जाता है, कुछ जगहों पे केवल क्रिमिनल लॉ होता है, तो वहां पे क्रिमिनोलॉजी और बाकी जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो कवर्ड होते हैं, कुछ जगहों पे ये वाला आस्पेक्ट भी ये लोग इंक्लूड करते हैं जहां पे क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ आपको एज अ स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपके चार सबसे ज्यादा जो मेजरली स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दी जाती हैं उनकी यहाँ पे मैंने बात कर दी है। अगर आपको ये भी चाहिए कि मैं स्पेसिफिकली एक एक स्पेशलाइजेशन के अंदर जा जाके ये समझाऊं कि ये स्पेशलाइजेशन कौन सी है सर, इसके अंदर बेस्ट कॉलेज क्या रहेगा सर, इसमें क्या स्कोप है मेरे पास जॉब प्लेसमेंट और उसके लिए, तो आप मुझे बताना, मैं हर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना सकता हूँ और वरना एक जनरल वीडियो भी बन सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको समझा दिया कि आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से आपको रखनी है। अब जो एक और चीज आपको दिमाग में रख के चलनी है वो ये भी है कि देखिए जो आपका प्लेसमेंट, आपका क्राइटेरिया अगर मैं मान के चलता हूँ तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज आई सेड, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आपका एनएलएस, नलसार और भोपाली आपके टॉप के हैं। इसके आगे के कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट होगा नहीं होगा थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कट ऑफ की भी बात करते हो तो जो आपके टॉप 5 कॉलेज होते हैं, ठीक है, टॉप 5 कॉलेज, उनके अंदर आपको जो कट ऑफ होता है वो आपकी रैंक 700 तक और टॉप 3 कॉलेज के अंदर तो 200 तक ही खत्म हो जाता है। तो फिर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी रैंक 200 या 100 के अंदर आ रही है तभी आपको टॉप 3 कॉलेज और टॉप 5 कॉलेज 700 के अंदर ही आपको मिलेगा, उसके नीचे आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आपके टीयर 2 कॉलेजेस हैं, टीयर 3 कॉलेजेस, उसके अंदर वो 1500 2000 तक भी आपकी क्लोजिंग रैंक वहां पे जनरल कैटेगरी में चली जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, अपनी तैयारी को उस हिसाब से अपना ट्यून करिए, देखिए कि मुझे किस तरीके से कितना स्कोर करना है, क्या करना है, तो आपको एक अच्छा आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें वर्क करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर से शेयर करिए जो कि क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको की हेल्प चाहिए यहाँ पे हमारी, कि कैसे हमको प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, कैसे हमको कॉलेज सिलेक्शन करना है, उसके लिए आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।